पुतली से आपको दोनों तस्वीरें हम दिखा ही रहे हैं। बड़ी खबर बता देते हैं, कल का मैच और आज का मैच। कल का मैच जब भारतीय टीम ने ब्रिटेन की टीम को हराया था हॉकी में, और आज महिला हॉकी में एक इतिहास रचा ऑस्ट्रेलिया की टीम को हराकर भारतीय टीम ने, और दोनों ही टीमों से अब उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई हैं। बेल्जियम से पुरुष हॉकी का अगला मुकाबला होगा, महिला हॉकी टीम भी पहुंच चुकी है आगे, लेकिन इस बीच चुनौतियां आगे की उतनी आसान नहीं होंगी, लेकिन उम्मीदें बरकरार रहेंगी। राहुल मेरे सहयोगी वहां से लगातार टोक्यो से हमें जानकारी दे रहे हैं। हालांकि इस वक्त महिला हॉकी टीम वहां पर, जो खबर राहुल अभी दे रहे थे वो ये है कि इस वक्त वहां पर मीडिया से बात कर रहे हैं, पत्रकारों से वो बातचीत कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन अब इसको किस तरीके से बरकरार रखा जाए, जैसे कि विक्रांत भी बता रहे थे कि इसी कॉन्फिडेंस को, इसी लय को बरकरार रखना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है और बिल्कुल संतुलित होकर अगले मैच में मैदान में उतरना है। और ऐसे में दोनों ही टीमों से मेडल की उम्मीद की जा रही है, पुरुष हॉकी हो या फिर महिला हॉकी हो, दोनों टीमों से इस वक्त मेडल की उम्मीद की जा रही है। और आज ऑस्ट्रेलिया की टीम को जिस तरीके से महिला हॉकी टीम ने हराया है वो वाकई काबिले तारीफ है। और इसी पर हम बात कर रहे थे गुरजीत कौर, जिन्होंने गोल दागा और उसके बाद और ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ गया महिला हॉकी टीम का। और सबसे बड़ी बात यह कि पूरे मैच के दौरान ऐसा नहीं कि मौके नहीं मिले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को, भारतीय खिलाड़ियों ने उनको हावी नहीं होने दिया। अजीत पाल सिंह पूर्व हॉकी खिलाड़ी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत जी, ये बहुत अच्छी खबर है, हम दोनों तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और इसी पल का इंतजार यकीनन पूरा देश कर रहा था। वेल आई जस्ट वॉच दिस वुमेन्स हॉकी टीम अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड आवर गर्ल्स, इंडियन गर्ल्स हैव रियली क्रिएटेड अ हिस्ट्री इन द हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक, बिकॉज़ दिस इज द फर्स्ट टाइम दे हैव रीच्ड any Olympic game to the semi-finals. Let me really praise them that they really played very, very well and beating Australia, who was one of the main contenders for the title 2020. To beat them is remarkable for the girls. Honestly speaking, I as a hockey man also never expected that they will in any case will be able to beat Australia. But I am really, really happy that they have come out with flying colors and they really defended their goal lead and they were deep defensive, very strong. अजीत जी, हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो हिंदी में आपसे सुनना चाहेंगे, क्योंकि कल का मैच भी बहुत ही यादगार और बहुत ही बढ़िया था, पुरुष हॉकी ने जब ब्रिटेन की टीम को हराया, आज का ऑस्ट्रेलिया की टीम को हराया, तो दोनों टीमों में, क्योंकि आप खुद हॉकी खिलाड़ी रहे, मैं जानना ये चाहूंगी कि अब प्रेशर बढ़ेगा या किस तरीके से अगले मैच में मैदान में उतरना चाहिए खिलाड़ियों को। देखिए, हमारी दोनों टीमें सेमीफाइनल में पहुंचना बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बिकॉज आदमियों की जो मेन टीम है उसमें तो मुझे लगता था कि इस बार मेडल आने की संभावना है, क्योंकि कुछ पिछले सालों से उन्होंने अपनी इम्प्रूवमेंट बहुत दिखाई है और अपनी वर्ल्ड जो इनकी स्टैंडिंग है उसमें भी ऊपर आए हैं, तो उसकी वजह से मुझे लग रहा था कि ये मेडल प्रॉस्पेक्ट है कि भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड किसी भी पोजिशन पे रह सकते हैं। लेकिन जो लड़कियों का सेमीफाइनल में पहुंच जाना एक बहुत 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 बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए, और दोनों टीमें सेमीफाइनल में पहुंच जाना, तो मैं देखता हूं कि भारतीय हॉकी फिर दोबारा एक बार अपना सर उठा रही है और ऊपर उठ रही है। तो कुछ पिछले सालों में हमने मेन टीम में काफी गिरावट देखी, लेकिन अब वो चीज नहीं है, अब हम किसी भी टीम से, जो दुनिया की टीम है, किसी भी टीम से खेल सकते हैं, किसी भी टीम को हरा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों टीमें अब सेमीफाइनल में है तो ये मेडल लेके आए कम से कम, और ये हमारी उम्मीद है कि ये कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, किसी दिन किसी भी इस फील्ड पे कुछ भी हो सकता है। उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। जी जी बिल्कुल।